हे नाइन साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हम पढ़ रहे थे किस तरह से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। आज उसी ऑर्डर में हम थर्ड वे पढ़ रहे हैं। थर्ड वे का नाम है डिफरेंशियल इंटरेक्शन, अंत निष्कर्षण। आइए जानते हैं क्या होता है इसके अंदर। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स, सबसे पहले हमें यह चीज समझनी पड़ेगी, ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, उन लिक्विड्स को कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। जो कभी ना मिले वो इमिसिबल होते हैं। यहां पे आप लोगों को एक सेपरेटिंग फनल दिखाई दे रही है। इस सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने एक मिक्सचर ले लिया है केरोसिन ऑयल और वाटर का। बहुत आसान होता है ये, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है क्यों पढ़ रहे हैं इसे, हम आसानी से काम कर सकते थे। इस फनल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे लग रहा है स्टॉप कॉक, गलती से वाटर और केरोसिन मिक्स हो गया। अब हमें दोनों को अलग अलग बीकर में लेना है, तो हमें डाल देना है इस केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में। जैसे ही वो सेपरेटिंग फनल में आएगी, हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को खोल देंगे और जो लिक्विड नीचे की तरफ है, जिसका लेवल बॉटम को टच कर रहा है, वो पहले बीकर में आ जाएगा। जैसे ही पूरा वाटर आ जाता है, आप स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए, अब केरोसिन ऊपर ही रह गया। बिना सेपरेटिंग फनल के अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करते तो आप प्रॉपर तरीके से दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े अमाउंट में केरोसिन के अंदर पानी मिला हुआ रह जाता। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल इंटरेक्शन। टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाई पुटिंग इन ए सेपरेटिंग फनल। दो इमिसिबल लिक्विड्स को अच्छी तरह से, पूरी तरह से अलग किया जा सकता है एक सेपरेटिंग फनल के अंदर। एप्लीकेशन, पहली तो हमने लाइव देख ली, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल में से वाटर को अलग करना, इमिसिबल लिक्विड से दोनों के दोनों आपस में कभी मिलते नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब आयरन को निकालते हैं उसके ओर के अंदर से, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर भी हम लोग डिफरेंशियल इंटरेक्शन का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम अबाउ द मोल्टन आयरन। जो पिघले हुए लोहे के ऊपर लावा होता है ऊपर की तरफ, उसको डिफरेंशियल इंटरेक्शन टेक्निक से अलग करते हैं, स्टॉप कॉक को खोल देते हैं, मोल्टन आयरन अलग कंटेनर्स में चला जाता है और जो लावा है, लाइटर स्लैग है, वो ऊपर ही रह जाता है। और फोर्थ टेक्निक, सब्लिमेशन, उधरुपातन। सब्लिमेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 के स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड को हीट देने पर पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को हीट देने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से हमें कंपोनेंट्स को अलग करना है तो ये जरूरी है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स में सब्लिमेटेड प्रोडक्ट हो। हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सब्लिमेशन का कारण क्या है, क्यों सब्लिमेट होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। एक्चुअल में सब्लिमेशन का असली कारण है एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कुछ कंपाउंड्स के पार्टिकल्स इतनी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं कि वो अपने नेबर पार्टिकल से, जिससे वो अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, तेजी से टूट के दूर हो जाते हैं। इतना दूर कि वो सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होके सीधे गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। घर में अपन ने पूजा के दौरान कपूर देखा होगा, स्पेशली दिवाली पे कपूर को ध्यान से देखिए, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता हीट देने में, सीधा गैसियस पॉइंट पे आ जाता है। सो अगर मुझे सब्लिमेशन का यूज करना है कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, उन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स में से कम एक सब्लिमेशन को फॉलो करता हो या सब्लिमेटेड प्रोडक्ट हो। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अरे भाई गलती हो गई, गलती से नमक और कपूर मिक्स हो गए, कैम्फर यानी कपूर, अब हमें उसे अलग करना है। एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए, यहां पे एक फनल रखी हुई है, कीप उल्टी इन्वर्टेड फनल, उसके ऊपर लगा दिया है मैंने कॉटन प्लग।
कॉटन प्लग इसलिए लगा दिया है ताकि जब मैं इसे हीट करूं तो जो कैम्फोर है, सब्लिमेटेड प्रोडक्ट है, उसकी वेपर बाहर नहीं निकले। यहाँ एक चाइना डिश ले ली मैंने, चीनी मिट्टी का बर्तन, उसमें रख दिया मैंने मिक्सचर ऑफ कैम्फोर और सॉल्ट। जो कैम्फोर और सॉल्ट का मिक्सचर है मैंने उसको रख दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा नमक वापस मिल जाए और मेरी कपूर भी वेस्ट नहीं हो, मेरा कैम्फोर भी खराब नहीं हो। मैं इसको हीट करूंगा। अब इस मिक्सचर के अंदर कैम्फोर भी है और सॉल्ट भी है, लेकिन कैम्फोर क्या है? सब्लिमेशन शो करने वाला एक कंपाउंड। और सॉल्ट क्या है? वो सब्लिमेशन शो नहीं करता। तो जैसे ही मिक्सचर को हीट मिलेगी, जो पार्टिकल्स हैं कैम्फोर के, वो सॉलिड से सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, वेपर में। वेपर ऊपर उठेगी तो जो आपकी कैम्फोर है वो इस फनल के ऊपरी हिस्सों में जाके अटैच हो जाएगी। ये यहाँ पे मेंशन है, सोलिडिफाइड कैम्फोर। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका वही है, दोनों कंपोनेंट्स में से एक सब्लाइम होना चाहिए, दूसरा सब्लिमाइम नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, वन विल सब्लाइम डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस फ्रॉम सॉइल सॉलिड एंड अदर विल नॉट। एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं सब्लाइम प्रोडक्ट? कैम्फोर, नेफ्थेलिन, ये बॉल होती है, व्हाइट बॉल्स कपड़ों में रखी जाती है, टॉयलेट्स वगैरह में देखा होगा आपने। एंथ्रेसिन, ये एक कंपाउंड है जिससे डाई बनाई जाती है अलग अलग कलर की, ये भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको हिंदी में नोसादर भी कहते हैं। एंड आयोडीन, आयोडीन भी सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में।